तो दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है, इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, यानी कि इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है। इच्छा शक्ति की क्या ताकत होती है कि आप बाईपास कर जाते हो अपनी सारी बीमारियों को। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप बाईपास कर जाते हो सारी समस्याओं को। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप बाईपास कर जाते हो उन सारे तत्वों को जो आपके लाइफ में, जो आपके टारगेट्स में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के सहारे आप चाहो तो बड़े बड़े पहाड़ हिला सकते हो। और इतिहास में ऐसा बार बार हुआ है जिसके तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कुछ चेहरे हैं उसमें से, उस उदाहरण में से सचिन तेंदुलकर, आज इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड, क्या करते हैं वो, सिर्फ एक छोटी सी गेंद को हिट करते हैं और उस तरीके से हिट करते हैं, उस दीवानगी से हिट करते हैं कि आज उनकी पल उनकी साथ पूछते क्या, जब तक वो इस पृथ्वी रहेगी, जब तक सचिन तेंदुलकर का नाम रहेगा। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत, अपने विल पावर की बदौलत। विल पावर में ऐसी ताकत होती है कि आप कहाँ हो, किस लेवल पे हो, किस समाज में हो, कहाँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। और जिस इंसान की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, जिस इंसान की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी, जिस इंसान की इच्छा शक्ति को तो कोई नहीं तोड़ सकता है, तो खुदा भी कहता है कि बता तेरी रजा क्या है।